मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग आर यूनिट 4 डिवीजन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट 3 ऑफ दिस यूनिट 4. दिस वर्कशीट इज बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. हमने 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से बेटा डिवाइड करना है इस वर्कशीट के अंदर. पहले हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया था, अभी हम 2 डिजिट नंबर से करेंगे. देखिए बेटा, ये यहाँ पर मैंने एक डिवीज़न की हुई है. 7982 को 11 से डिवाइड किया हुआ है. 11, अब बेटा देखो 11 है डिवीज़न में. मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पहले फर्स्ट नंबर देखो. फर्स्ट नंबर 7 है. 7 क्या है 11 से स्मॉलर है, तो इसलिए मैंने 9 भी साथ में ले लिया. अब ये क्या बन गया 79. तो 11 7 था 77. 77 ही इससे छोटा इसके नीचे आएगा. 9 में से 7 गए 2, ऊपर से क्या ले लिया 8. अब ये बन गया 28. अब 11 के टेबल पढ़ो. 11 टू द 22 ही आएगा इसके बाद, क्योंकि 33 आता है. 11 थ्री द 33 जो 28 से बिगर है वो नहीं आएगा यहाँ पे, 22 आएगा. 8 में से 2 गए 6, ऊपर से 2 लिया. अब 62 से स्मॉलर नंबर ढूंढना है या 62 ही हो. 11 के टेबल में 62 तो नहीं आता, पर इससे स्मॉलर क्या है 55. किस टेबल पर आता है 11 5 द 55. तो यहाँ से 2 स्मॉलर है तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे. 12 में से 5 गए 7. बेटा फिर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 725 और रिमाइंडर क्या आ गया 7. बेटा ये डिवीज़न मैंने आपके लिए की हुई थी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम मिलके करते हैं. अब डिवाइड करो. ट्वेल्व फाइव था 60 पे जाएगा, क्योंकि 6 स्मॉलर था तो 62 ले लिया. यहाँ 2, ऊपर से 8 उतारा. अब 12 वन द 12, 12 टू द 24, 12 थ्री द 36 तो नहीं आएगा, 24 आ जाएगा. 8 में से 4 गए 4, ऊपर से क्या लिया मैंने बेटा 7. अब 12 थ्री द 36, क्योंकि 12 फोर द 48 होता है जो 47 से बिगर है, नहीं आएगा यहाँ पे. 7 में 6 गए 1, 4 में 3 गए 1. नाउ आवर क्वेश्चन इज 523 एंड रिमाइंडर इज 11. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6258, 25 से डिवाइड करना बेटा. तो 6 तो स्मॉलर है तो 62 इकट्ठा लेना पड़ेगा. अब 25 का टेबल बेटा, अगर हमें टेबल, अब ये वाले टेबल तो नहीं आएंगे हमें, तो 20 तक की टेबल आते हैं. तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 2 से किया बेटा, 2 5 का 10, 2 2 का 4 एंड 1 5 50 आ गया. अभी और करके देख लेते हैं कि कोई और नंबर तो नहीं आता जो 62 हो या 62 से स्मॉलर हो. 3 5 का 15, 3 2 का 6 एंड 1 7 75 बेटा 62 से क्या है बिगर है तो नहीं आएगा, इससे स्मॉलर क्या है 50. तो ये कौन से टेबल पे गया है 2 पे. 25 टू द 50, 2 इज हियर, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से क्या कैरी किया 5, क्योंकि 12 स्मॉलर था तो 12 से तो नहीं अपना काम बनता था, इसलिए हमें ऊपर से 5 लेना पड़ा. अब 3 तक तो हमने टेबल किया, आगे 4 चले. 4 5 द 20, 4 2 द 8 एंड 10 100. अब ये 8 यहाँ पर लिख लो बेटा, 2 कैरी यहाँ लिखने के बजाय. अब 100 है, इससे आगे करके देखते हैं. 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 टू द 10 एंड 2 12. इट मीन्स कि यहाँ पर 5 के टेबल पर 125 आ गया. तो ये सारा तो ज़ीरो हो गए. अभी ऊपर से क्या लेना पड़ेगा 8. तो मैंने बताया कि बेटा जब आगे फर्दर डिवीज़न ना हो, यहाँ पर ऊपर से सारा लास्ट नंबर रह जाए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0. नाउ योर क्वेश्चन इज 250 एंड योर रिमाइंडर इज 8. दिस इज योर पार्ट डी. बेटा आप देखो टेबल बड़े आ गए हैं, 20 से अबव वाले टेबल हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा. बेटा 9 स्मॉलर है तो 98 लेना पड़ेगा. तो इसके लिए फिर 37 वन दा तो हमें पता होता है, तो इसलिए 2 से स्टार्ट कर दिया करो. 2 7 द 14, 1 कैरी, 2 3 द 6 एंड 1 74. आगे और करके देखते हैं. 3 7 द 21, 3 3 द 9 एंड 2 11. अब 111 क्या है बेटा, बड़ा है. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उससे ऊपर वाला लेना पड़ेगा 2 से 74. 8 में से 4 गए 4, 9 में 7 गए 2.
24 37 से स्मॉलर है तो ऊपर से क्या लेना पड़ेगा 2। अब यहाँ तक तो कर लिया, आगे 4 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 2 14। अभी भी इससे ये ज़्यादा स्मॉलर है तो आगे फिर चलते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 3 185 बन गया ये। और आगे करके देखो बेटा, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखना है आपने। 222। अब एक बार और कर लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल पास आ गए हैं, नज़दीक हैं इसके, तो एक बार बेटा हम और करके देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से 7 7 था 49, 4 कैरी, 7 3 था 21 और 4 25। बेटा ये 259 है तो 259 तो बिगर है तो इससे पहले वाला नंबर ले लेंगे। 222 कौन से टेबल पर है बेटा? ये 6 के टेबल पर। यहाँ पे कौन सा टेबल बेटा? 6 का टेबल है तो यहाँ 6 लिखेंगे। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2। अब 20 स्मॉलर है 37 से तो फिर हमें ऊपर से क्या लेना है? 6। तो 206 से स्मॉलर वाला नंबर देखो, या 206 से स्मॉलर वाला नंबर 185 है। कहाँ पे? टेबल 5 पे 185। 6 में से 5 के 1, यहाँ से 1 कैरी, 10 में से 8 के 2। हेयर इज 21 बेटा। अब 21 37 से नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा डिवीज़न का। क्वेश्चन हमारा 265 है बेटा और रिमाइंडर हमारा 21 बेटा। क्वेश्चन 265 है, रिमाइंडर 21 है। इस तरह से बेटा आपने डिवीज़न करनी है। यस बेटा, दिस इज़ फॉर यू। ई पार्ट ये आपने खुद करना है, जैसे मैंने अभी पहले बताई है डिवीज़न। ऐसे ही आप 62 को 2 से 3 से 4 से वो टेबल बना के रख लेना साइड पे। बेशक सारा बना लो, बेशक आप थोड़ा थोड़ा बनाकर अपनी डिवीज़न करते रहो। ऐसे बेटा ये आपने 75 के टेबल से बनाना है। 75 को 2 3 4 इस तरह से डिवाइड करके देख, मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर इसको डिवीज़न करनी है। बेटा ये आप खुद करोगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। अभी बेटा आपने डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। चेक हमने पहले भी किया हुआ है तो हमें इजी लगेगा। अब ए वन तो हमारा स्मॉलर है तो हमने 8 लेना, साथ में 18 बन जाएगा ये। 12 के टेबल पे 18 तो नहीं आता पर 1 से जाएगा ये। 8 में से 2 गए 6। अब ये 12 5 था, ये जिसका टेबल हमें आता है उसको तो हम साथ साथ कर सकते हैं बेटा। 12 5 था 60, 2 इज हेयर। अब हम यहाँ से 6 लेंगे। अब ये 12 वन था 12, 12 टू था 24, 3 था तो 36 चला जाएगा, वो तो नहीं जाएगा यहाँ पे। 2 इज हेयर। अब हमारा कोशेंट क्या है बेटा? कोशेंट 152 और रिमाइंडर क्या है बेटा? 2। चेक कैसे करते हैं बेटा? चेक आपको सभी को आता ही है, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड, यही अपना रूल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है बेटा, डिवीज़र हमारा क्या है 12, क्वेश्चन हमारा 152 है प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है 2। अभी करो 152 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 3, 1 2 द 2, 1 5 द 5, 1 1 द 1, 4 इज हेयर, 2 3 एंड 5 8 एंड 1। Here is 1824 plus 2. This will become 1826. अब बेटा डिवाइडेंड क्या है राइट हैंड साइड में? हमारा डिवाइडेंड क्या है वो हमें पता ही है कि डिवाइडेंड ये होता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जितनी भी हमने डिवीज़न की वर्कशीट्स की हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कोशेंट, डिवीज़र, डिवाइडेंड, रिमाइंडर के बारे में पहले से नॉलेज दी हुई है। तो डिवाइडेंड बेटा हमारा कितना है 1826 और ऊपर का हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट। बेटा यहाँ नीचे लिख भी सकते हो भी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट इज अब 27 से करना है बेटा। अब हम 7 तो नहीं ले सकते, 76 लेना पड़ेगा। ये रूल है हमारा डिवीज़न का कि अगर हमारे पास पहला नंबर स्मॉलर हो तो हम नेक्स्ट डिवीजन को उठा लेते हैं। अब बेटा यहाँ साइड से मैं डिवाइड करूँ, अब देखो सॉरी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 7 द 14, 2 2 द 4 एंड 1 5, 54 आ गया बेटा।
अभी आगे चलते हैं और 3 7 21 3 2 6 एंड 2 8 81 बेटा 81 क्या है बिगर है इससे तो इससे ऊपर वाला आएगा 54 6 में से 4 गए 1 7 में से 5 गए 2 हाँ जी सॉरी बेटा यहाँ पे रॉन्ग हो गया 6 में से 4 गए 2 सॉरी 7 में से 5 गए 2 अब 22 स्मॉलर है तो 1 ऊपर से मैंने फिर ले लिया 221 हो गया बेटा ये अब ये देखो 27 का टेबल अभी आगे चलेगा 108 फिर आगे चलो 135 तो बेटा ये किस पे जाएगा अभी आगे चलें और यहाँ साइड पे और कर रही हूँ मैं देख लो 6 7 दा 42 6 2 दा 12 and 4 16 अभी आगे चलिए 7 7 दा 49 7 2 दा 14 and 4 18 27 8 दा 8 7 दा 56 8 2 दा 10 एंड 8 to the 16 and 5 21 216 है बेटा ये अभी आगे चलें 9 वाला भी देख लेते हैं अभी 9 7 दा 63 9 2 दा 18 and 6 24 अब 243 तो बड़ा है बेटा इससे ऊपर वाला क्या है 216 तो यहाँ पे 216 आ जाएगा कौन से टेबल पे है बेटा 8 पे है ये वाला ना कैरी है यहाँ पे गलत मत कर देना बेटा इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये आप लोग ठीक है 8 पे 11 में 6 गए 5 अब ऊपर से क्या उतारें बेटा हम 5 यहाँ पर ऊपर लिख लो कौन सा टेबल पे गया था बेटा ये 8 वाले टेबल पे गया था ना तो इसको यहाँ राइट कर लो 27 8 था 216 था ना अब यहाँ 55 आ गया बेटा अब देखो 55 से स्मॉलर क्या है 55 तो है नहीं कहीं पर स्मॉलर क्या है हमारा 54 तो 2 के टेबल पे जाएगा 27 2 था 54 हाँ जी बेटा अभी चेक का आ गया अपना चेक में भी आपने वैसे ही करने से अबव किया डिवीजर इनटू क्वोशन्ट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप डिवीजर अपना कितना है 27 क्वोशन्ट कितना है 282 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा यहाँ हम साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 282 को 27 से 7 2 द 14 1 कैरी 7 8 द 56 और एंड 157 5 कैरी 7 2 द 14 एंड 5 19 2 2 द 4 2 8 द 16 6 1 कैरी 2 2 द 4 एंड 1 5 बेटा ये ध्यान से आप अपनी नोटबुक पर मल्टीप्लाई करके देखना है बेटा उसमें मिस्टेक मत कर देना हेयर इज 7 4 11 वन कैरी 9 and 1 10 and 6 16 5 and 1 6 and 1 7 प्लस 1 क्या आ गया 7615 तो डिवाइडेंड क्या है बेटा राइट हैंड साइड पे डिवाइडेंड भी हमारा यही है 7615 ये डिवाइडेंड है तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पार्ट सी 6016 66 से करना है बेटा देखो अब फर्स्ट भी स्मॉलर है अगर मैं 60 लेती हूँ तो भी 66 से स्मॉलर है तो मेरे को 601 लेना पड़ेगा हाँ जी बेटा ये 66 को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 2 से 3 से बेटा ये 66 वाला हमारा उस पे जाएगा 9 पे ठीक है 9 पे 594 आ जाएगा बेटा या मल्टीप्लाई करके देख लेना 11 से 4 गए 7 यहाँ पर 9 है तो ये तो 0 ही आ जाएंगे दोनों यहाँ 76 अब 66 वन दा 66 6 में 6 के 0 7 में 6 के 1 तो बेटा अब ये देखो कि यहाँ पर यहाँ 10 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया ये हमारा क्वोशन्ट है ठीक है अब चेक करो बेटा यहाँ पे देखो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशन्ट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट बेटा चेक करने से क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है डिवीजर 66 है क्वेश्चन 91 है रिमाइंडर हमारा 10 है तो 66 को बेटा अगर 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6006 आ जाएगा प्लस 10 तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 6016 आ जाएगा बेटा राइट हैंड साइड में डिवाइडेंड भी हमारा क्या है यही
डिवाइडेंड भी हमारा 6016 ही है बेटा। इसको एक बार रफली करके देख लेना आप चेक, ठीक है प्रॉपर। ये बेटा 3 क्वेश्चंस हैं नीचे, इसमें 4210 को 15 से करना डिवाइड आपने, 9885 को 46 से, 8423 को 54 से। बेटा इसको आपने डिवाइड भी करना है और जैसे मैंने अभी 3 सम किए हैं उसको चेक भी करना है आपने। ओके बेटा इसको अच्छे से कर लेना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट ये है कि आप अच्छे से साइड पे रफली करोगे इसको, रफली मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लोगे तो 2 डिजिट वाले डिवीज़न भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। थैंक्स बेटा।